ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई। भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा घोटाला होगा जो बिना पैसे का घोटाला है। ये पहला ऐसा घोटाला होगा जहां पर एक रुपया भी किसी एजेंसी को बरामद नहीं हुआ। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की उन तमाम कार्रवाइयों को अगर छोड़ें तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उनको कहीं ना कहीं दूसरे मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जिस मुद्दे को लेकर के खुद सौरभ भारद्वाज ने कई बार चिट्ठी लिखी या फिर केंद्र को इस बात की जानकारी दी कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो फर्जी दवाओं पर जो है मामला चल रहा है, दरअसल ये पूरा मुद्दा वो पहले से ही केंद्र सरकार को बता चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। और अब दो तीन दिनों से वो मामला फिर से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। आज के अगर इस पूरे मामले पर आपको अपडेट दें तो सीबीआई को सिफारिश भेज दी गई है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल के लिए। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से, जो एक तरीके से बोला जा रहा था कि शराब आबकारी नीति मामले में पार्टी पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन अब तो एक नया मामला आ गया है। अब जो है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के फिर से घोटाले वाला जो पेच है यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलें होंगी? देखिए, बिल्कुल वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। अब तक सवाल ये बन रहा था कि जो नेता आम आदमी पार्टी के जेल में बंद हैं, क्या वो जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं। तो देखिए, वो नेता जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं ये तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो नेता अभी बाहर हैं वो शायद जेल जरूर जा सकते हैं, क्योंकि जल बोर्ड घोटाले में मंत्री आतिशी सिंह, जो मनीष सिसोदिया का कार्यभार संभाल रही हैं, उन पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। और अब अस्पतालों को लेकर के ये जो पूरा मामला है उसमें सौरभ भारद्वाज फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे साफ तौर पर यही लग रहा है अबरार कि आम आदमी पार्टी के जो इक्का दुक्का नेता यहां पर बचे हुए थे, अब शायद उन पर भी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सौरभ भारद्वाज लंबे समय से इस बात को बता रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी दवाइयां भिजवाई जा रही है, सप्लाई हो रही है, और इसकी जांच के लिए उन्होंने खुद एलजी को कई बार यहां पर चिट्ठी लिखी है, लेकिन देखा गया कि इस पर एलजी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अब जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लिया गया तो तुरंत इस मामले में सीबीआई जांच की बात आ गई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इस बात को दर्शा रही हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल को और कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। अब तक सिर्फ और सिर्फ आबकारी नीति थी, लेकिन इसके बाद अब और कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई एक बात जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वो अब कहीं ना कहीं सच लग रही है कि आखिरकार घोटाले हुए हैं तो पैसा कहां है, हवा में तो नहीं चला गया, ईडी सीबीआई समेत तमाम जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, पैसा आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है, और जिनके यहां पर पैसा मिल रहा है वहां जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई नहीं कर रही हैं। पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं दर्शकों, एक रिपोर्ट को देखिए आप, उसके बाद आगे चर्चा जारी रखेंगे। आज के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं
कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबेरे 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते हैं तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। तो आपने देखा, इस जो है इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का पक्ष अलग है और वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है और ये दावे कर रही है कि आम आदमी पार्टी शराब आबकारी नीति मामले में नहीं बल्कि फर्जी क्लिनिक वाले मामले में भी, क्योंकि कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा जो कि भाजपा के जो है प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने कहा कि एक एक दिन में 500 मरीजों को कैसे देख लिया गया, ये आंकड़े क्या सीसीटीवी जो है कैमरे के जरिए जुटाए जा सकते हैं और क्या वो कैमरे की जो फुटेज है वो आम आदमी पार्टी जो है उपलब्ध करवाएगी, इस पर प्रज्ञा आपका क्या कहना रहेगा? कल जो सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि एक दिन में 500 मरीज आपने कैसे देख लिया। देखिए, सवाल तो है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच अगर आम आदमी पार्टी की छवि को ख़राब करने के लिए है तो जाहिर तौर पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि केंद्र में बैठी बीजेपी भी सत्ता में है और जाहिर तौर पर फिर सवाल जो है वो दोनों ही पार्टियों पर उठने चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। हाँ, जाँच होनी चाहिए, ये सही रहेगा। बिल्कुल, जो है इसको लेकर के दोनों तरफ से जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर ये कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर के राजनीति कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर एक बयान जो है सुनवाते हैं आपको, जिसमें साफ तौर पर जो है कई बड़े दावे करते हुए नजर आए। ज्यादा अफसर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा घोटाला होगा जो बिना पैसे का घोटाला है। यह पहला ऐसा घोटाला होगा जहां पर एक रुपया भी किसी एजेंसी को बरामद नहीं हुआ है। इस देश में जब भी घोटालों की बात हुई, सीबीआई ने रेड करी, ईडी ने रेड करी, तो कभी किसी के घर से कैश मिलता है, कभी किसी के घर से सोना मिलता है, कहीं से प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं, कहीं शेल कंपनियों के कागज मिलते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकरों पर रेड हो गई, गांव पर रेड हो गई, लेकिन कहीं पर भी एक रुपया बरामद नहीं हुआ। 2 साल के बाद भी ईडी और सीबीआई एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाई है, कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। 2 साल के बाद भी अभी तक ये एजेंसियां ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं।
क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं, क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं, क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं, क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं, ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है। तो आपने देखा दर्शकों, अब आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय सौरभ भारद्वाज, क्या वो इस मामले पर फंसते नजर आएंगे, क्या उनको भी जेल हो सकती है, इस पर भी नजरें टिकी हुई है। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।